सो लेट गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो डिवाइस के अंदर आप जो है फोन्स को अप्लाई कैसे करेंगे, लाइक फोन को कैसे चेंज करेंगे। सो इसे करना काफी आसान है और आपको अगर थीम वगैरह भी चेंज करना है तो थीम भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे, एक थी हमें एप्लीकेशन मिलेगी एक्स थीम्स की, आप इसको ओपन करेंगे। हालांकि बाई डिफॉल्ट एप्लीकेशन है, इसके लिए आपको कई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल्ड नहीं करना है, आप इसको जस्ट ओपन करेंगे। ये एक्स थीम का यूज इंटरफेस कुछ इस तरह से मिल जाएगा आपको, जिसमें आपको थीम्स वॉलपेपर एंड डिस्कवरी पे आपको क्लिक करना है फॉन्ट के लिए। तो डाई वाला ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा और एक ऑप्शन यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इसमें देख सकते हो गैलरी वगैरह से आप जो है इमेज वगैरह को सेट आउट कर सकते हो। तो फिलहाल हम इसको बैक करेंगे, फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जहां पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 20 से भी ज्यादा समथिंग फॉन्ट होंगे। हाँ, ऑलमोस्ट 30-40 से इसमें फॉन्ट होंगे, तो आप इनको इजीली डाउनलोड करके चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कॉटन कैंडी का एक ऑप्शन है, ये जो फॉन्ट है इसको हम डाउनलोड करेंगे, अप्लाई करेंगे। एक्चुअली ये डाउनलोडेड है, मैं कोई डाउनलोड करता हूँ। दूसरा एक्सप्लोर वाला एक यहाँ पर है, इसको हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक्चुअली जो फॉन्ट होते हैं काफी कम साइज के होते हैं, केवीएस में होते हैं, तो इजिली डाउनलोड हो जाते हैं। इसको जस्ट अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यूज दिस फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम ओके करेंगे। ये फॉन्ट हमारे फोन के अंदर सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। देख सकते हो हमारे फॉन्ट का जो स्टाइल है काफी चेंज हो चुका है और ये काफी लाइक स्लिम हो चुका है हमारा फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर। तो आप ऐसे करके अपने फोन के अंदर गाइस फॉन्ट को इजिली चेंज कर सकते हैं। हालांकि दोबारा अगर आपको डिफॉल्ट करना है तो एक्स थीम में एप्लीकेशन में जाएंगे, जिसके लिए आप किसी भी जगह क्लिक करेंगे, मेन्यू पे आएंगे थ्री डॉट पे क्लिक करके, जिसमें माय फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, डिफॉल्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, डिफॉल्ट पे क्लिक करके इसको अप्लाई करके ओके कर देंगे और ये आपका जो बाय डिफॉल्ट है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। सो आई होप गाइस आप समझे होंगे कैसे फॉन्ट को चेंज करना है इन्फिनिक्स के नोट 12 5G प्रो डिवाइस के अंदर। फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।